Hey, what is up guys? Welcome back to another video. I hope you guys are doing great. और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, उससे नोटिफाई होता रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक फेक PS4 कंट्रोलर की। सो वीडियो को पूरा देखना है, बोला कि क्या क्वालिटी है, कहाँ से लिया, कितने का लिया, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले अनबॉक्स करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोलर। गाइस, ये है हमारा कंट्रोलर और पैकिंग है बहुत ही बेकार है, बस स्टिल कोई आपको इसको दिखने में इतना फेक नहीं लगता। लाइक ये तो अभी बॉक्स पूरा ख़राब हो रखा है, बट अगर कोई आपको एकदम ब्रांड न्यू बॉक्स देगा, ये बॉक्स भी नया ही था और थोड़ा ख़राब हो रखा है, बट अगर आपको कोई ब्रांड न्यू बता के फेक भी दे सकता है सो देख लेना यार। ये वाला इसमें पूरा ऐसे प्रॉपर लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड नंबर, TRA जो भी है, डीलर नंबर, सब फेक कंट्रोलर। तो अगर आप चांदनी चौक से लोगे तो देख लेना, जो फेक वाला पैकिंग बहुत ही इस टाइप का होती है, उसको क्वालिटी आपको बॉक्स देख के पता चल जाएगा। और ऐसे पीछे लिखा होता है, पीछे ऐसे दिया हुआ है, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है ये वाली, उसमें दिया हुआ है। सो इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चर्ड इन जापान टोक्यो, और अनबॉक्स करते हैं। वैसे आपको बॉक्स की क्वालिटी देख के पता चल जाएगा ये फेक है। अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो टिंटे और कुछ भी नहीं। सो गाइस, ये हमारा फेक कंट्रोलर और बिल्ड क्वालिटी आई वुड से वी आर बी ऑनेस्ट ओके ओके है। बटन्स पूरे सेम है जैसे होते हैं हमारे, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है और पीछे प्रॉपर सीरियल नंबर दिया हुआ है। गाइस, होता है आपका यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, रीसेट का आपका बटन है और ये आपका फ्लैश लाइट भी चल रहा है। बट अभी हम इसे कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल कंट्रोलर के साथ। एक कहीं जैसे मैंने सुना है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत कम होता है, तो और साथ में आपको जो केबल है वो नहीं मिलेगा, आपको केबल अलग से लेना पड़ेगा या फिर बाइंग अ फेक कंट्रोलर, तो आपको केबल लेनी पड़ेगी अलग से। सो गाइस, ये है हमारा फेक कंट्रोलर, थोड़ा सा इसको ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं। And let's see, वैसे वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा, बट ये मेरा ओरिजिनल कंट्रोलर है। सो लाइक अभी जैसे मैं अगर देखूँ तो ये बहुत हैवी है इसके अकॉर्डिंग, तो मुझे पूरा फील हो रहा है। मेनली जो बटन है R1 R2 में भी वीडियो में दिख रहा होगा, बट रियल में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा फील होगा। साथ में आई विल शो यू वन थिंग गाइस, इन्होंने ट्राई किया पूरा कॉपी करने का, तो ऑलमोस्ट पूरा कॉपी किया है, बट अगर आप पीछे से देखेंगे इसमें कुछ इस टाइप से लिखा है, बट जो ओरिजिनल कंट्रोलर है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप से लिखा हुआ है। ये है कि चाहे क्वालिटी खराब है, चलता कितना है, वो तो कुछ टाइम की बात पता चलेगा। सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आफ्टर यूजिंग दिस, और क्या अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी वो आई विल लेट यू नो। सो अभी बात करते हैं आगे। सो ये था हमारा कंट्रोलर एंड वी टॉक अबाउट इट, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। लेकिन बातों को हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कंट्रोलर ख़राब है तो वो रिपेयर हो जाएगा, फिर फ्रॉम दिल्ली तो चांदनी चौक में रिपेयर हो जाएगा, इवन करोल बाग में रिपेयर हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने अपने कंट्रोलर रिपेयर कराया था, तो मेरा 400 रुपये में रिपेयर हो गया था, तो आप वीडियो चेकआउट कर लेना। वैसे मैंने एक पर्टिकुलर स्टोर से कराया था, बट आई वुड से कि आप सारे स्टोर पर जितने भी यहाँ पर 5-6 दुकानें हैं पता कर लेना, और जो भी आपको बेस्ट प्राइस देगा वहाँ से वो ठीक करा लेना। और आई वुड से फॉर एवरीथिंग, किसी भी एक स्टोर पर एकदम से जाके कुछ मत लेना, आप सारे स्टोर पे पता कर लेना, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस बताएंगे और जो आपको बेस्ट डील मिलेगी वो ले लेना। सो गाइस, अगर आप कंट्रोलर ले रहे हो, अगर आप फेक ले रहे हो ओरिजिनल ले रहे हो, तो दोनों कंट्रोलर देखना, दोनों को फील करना, यू विल गेट टू नो। ऐसा ना कोई आपको फेक ही बेस्ड ओरिजिनल बता के, तो दोनों को आप कंट्रोलर को चेक करना, उठा के देखना, उनके बटन्स देखना और फिर जाके लेना। सो गाइस, ये जो कंट्रोलर है इनका कोई वारंटी नहीं होगा, तो आप अच्छे से चेक करके लेना और ट्राई टू प्ले गेम देयर। क्या बोलेंगे आपको, वो आपको कीबोर्ड में चेक कराते हैं और कीबोर्ड में पता नहीं चलता। मैंने लिया था 1200 रुपीज का, और दे वर लाइक की कलर के अकॉर्डिंग प्राइस है, लाइक ब्लैक वाला था 1100 का, देन कैमो वाला था 1500 का, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। तो आप देख लेना, एक शॉप से मत लेना, पहले जाके प्राइस कंफर्म कर लेना, सारे स्टोर पे पूछ लेना और फिर खरीदा जहाँ पे आपको बेस्ट डील मिलेगा। तो केबल नहीं मिलेगा तो केबल आपको अलग से लेना पड़ेगा, और इनका जो बैटरी बैकअप होता है बहुत कम होता है, तो केबल ले लेना 100 रुपये का मिलेगा, आई थिंक दैट्स अ गुड प्राइस। और गाइस, आपको अगर पोस्टर लेने हैं तो पोस्टर भी आपको मिल जाएंगे 50 रुपये का, सो ले लेना अगर लेने होंगे तो।
और दैट्स इट गाइस, अगर आपको कॉर्ड से लाइक जैसे केबल लेनी है वो भी यहाँ पे सस्ते मिल जाती है, आप देख सकते हैं। बाकी गाइस यही सब था। आई वेंट टू चांदनी चौक और जब भी मैं गया हूँ आई डिडंट गो देयर टू मेक वीडियो फॉर द शॉपकीपर्स, आई हैव बीन देयर फॉर मेकिंग वीडियोज फॉर यू। और मैंने सामान लिया है हमेशा, ऐसा नहीं कि फ्री में वीडियो बना लिया, सो देट नथिंग गोइंग टू बी फेक अबाउट इट। और मैं किसी भी दुकान को प्रमोट नहीं करने वाला। लाइक दिस वीडियो फॉर अस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।